ओके तो और मेरे भाई लोग कैसे हो, तुम फिर से बोल चुके हो आप लोग ले लीजिए मैं की और भी एक कमाल के डोले कर। अब भाई साहब पिक एंड फायर, ये भाई सीरियस टीडीएम मैच के लिए एक ऐसी चीज है जो जो टीडीएम लवर हो उन लोगों को भाई पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब भाई सीरियस टीडीएम मिड रेंज में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है भाई पिक एंड फायर। अब भाई ये क्लासिक के लिए भी सेम है। अब भाई साहब मैंने बहुत सारे बंदों के साथ टीडीएम खेला है, अब कुछ बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको भाई सही तरीके से पिक एंड फायर का यूज करना नहीं आता। अब भाई मुझे पता है यहाँ पे ऐसे काफी सारे बंदे ऐसे हैं जिनको भाई पिक एंड फायर का यूज करना नहीं आता। अब भाई सब बताओ कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं कि आप पिक करके बंदे को मारने की कोशिश करते हो और भाई आपको पता ही नहीं चलता कि सामने वाला बंदा भाई आपको कब फिनिश करके चला जाता है। तो भाई सब टेंशन आप लोगों को लेना नहीं है क्योंकि मैं हूं यहां पे, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको यूज करके आपका पिक एंड फायर भाई इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। खैर भाई ये बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है। वीडियो में एक एक लाइक कर दो सारे भाई, मिल गए 1K लाइक भाई सब कंप्लीट करवा देना, ठीक है। चंगा मोटिवेशन मिल जाता है मेरे को। तो चलो भाई यहाँ पे दरमियान नहीं करेंगे, फटाफट से भाई इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भाई जब बढ़ते सीधा पॉइंट नंबर 1 की तरफ, ठीक है। अब भाई पॉइंट नंबर 1 में सबसे जो मेन चीज है वो होता है भाई हमारा सेटिंग, ठीक है। जब तक भाई आपका सेटिंग सही नहीं होगा तब तक भाई आपका पिक एंड फायर स्ट्रांग नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 1 में मैं भाई लोग आप लोगों को सेटिंग बताऊंगा कि क्या क्या सेटिंग भाई साहब आप लोगों को करना है। अब भाई यहाँ से चले जाते हैं सीधा सेटिंग पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिक एंड ओपन स्कोप, ठीक है। अब इस चीज को लेके भाई काफी सारे बंदे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज में रहते हैं। अब मैंने भाई इसको इनेबल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब भाई आप यहाँ पे पिक करोगे आपको भाई स्कोप वाले बटन पे टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है पिक एंड ओपन स्कोप, पिक वाले बटन पे दबाओगे आपका स्कोप खुल जाएगा। अब भाई बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। अब भाई मानो कि आप 3 finger या फिर भाई 4 finger प्लेयर हो, ठीक है। तब भाई आपके लिए क्या सीन होता है यहाँ पे, आपको स्कोप वाले बटन पे दबाने की जरूरत नहीं है। मतलब भाई आपका एक उंगली बच जाता है, उसको भाई आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी बटन पे यूज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मानो कि भाई आप बैठ के पीक करके बंदे के ऊपर फायर कर रहे हो, बंदा आपको ज्यादा बुलेट कनेक्ट कर रहा है, तब आप क्या कर सकते हो फटाक से क्राउच वाले बटन को दोबारा दबा के भाई आप खड़ा हो सकते हो, ठीक है ना। अब भाई बात करते हैं एक डिसएडवांटेज के बारे में। अब भाई मानो कि आपका जो पीक वाला बटन है वो भाई ऐसी जगह पे है जहाँ पे भाई आपका उंगली बार बार जाता है, ठीक है। तब भाई क्लोज रेंज में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। आप इस तरीके का शॉट भाई यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके का शॉट भाई अगर मारना चाहते हो आपका भाई स्कोप फटाक से ओपन हो जाएगा। उसके बाद मानो कि भाई क्लोज रेंज में फाइट करते करते अचानक से भाई आपका स्कोप ओपन हो जाता है पीक वाले बटन पे गलती से टच करके, ठीक है। तब भाई क्या सीन होगा, बंदा भाई आपको बहुत ज्यादा इजीली तरीके से वहां पे फिनिश कर देगा, आपका मूवमेंट भाई स्लो हो जाएगा। अब भाई सब लैन मोड, ठीक है। अब ये चीज भी भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी सारे बंदे भाई इस चीज को लेके भी कंफ्यूज में रहते हैं। और ये चीज भी ना भाई पूरी तरीके से आपके फिंगर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब भाई आप कितने फिंगर में खेलते हो, 4 finger, 5 finger, 6 finger, 7 finger। अब भाई बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। अब भाई मानो कि आप 2 finger या फिर भाई 3 finger खेलते हो, ठीक है। तब भाई इस चीज का एडवांटेज आप उठा सकते हो, ठीक है। एक बार भाई मतलब पीक वाले बटन पर टच कर दिया, उसके बाद भाई उंगली जहाँ पे मर्जी वहाँ पे आप ले सकते हो। लेकिन भाई साहब इसका डिसएडवांटेज बहुत ही ज्यादा है, मानो कि भाई क्लोज रेंज में, ठीक है। अब भाई जिगल देते देते अचानक से भाई आपका बटन भाई मतलब पीक वाले बटन पे चला जाता है, आपका कैरेक्टर कुछ इस तरीके से भाई यहाँ पे स्लो हो जाएगा और भाई आप इस तरीके का मूवमेंट भाई यहाँ पे दे नहीं सकते। तो भाई साहब यहाँ पे हो जाता है हमारा पॉइंट नंबर 1 क्लियर, ठीक है। अब भाई बढ़ते सीधा पॉइंट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब भाई पॉइंट नंबर 2 में मैं आप लोगों से सब कुछ भाई क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले भाई हम यहाँ पे ये देखेंगे कि नॉर्मल पिक वर्सेस पिक्सल पिक कौन सा भाई हमारे लिए बेस्ट होता है। ओके तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नॉर्मल पिक वर्सेस पिक्सल पिक के बारे में। अब देखो भाई काफी सारे बंदे क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से भाई दीवार से चिपक के भाई पिक लेते हैं। अब यहाँ पे सीन क्या होता है, देखो ये जो रेड एरिया भाई आप यहाँ पे देख रहे हो, मानो कि उस बंदे के पीछे या फिर साइड में कोई बंदा है, वो बंदा भी भाई इजीली तरीके से आपको सपोर्ट कर लेगा। मतलब दो बंदा भाई आपको बहुत ज्यादा इजीली तरीके से सपोर्ट कर लेगा, तो इस पिक का भाई कोई भी फायदा नहीं है। और नॉर्मल पिक में भाई आपका कैरेक्टर कुछ इस तरीके से दिखता है। अब भाई ये जो पिक्सल पिक है इसके लिए आपको कवर से भाई थोड़ा सा पीछे की तरफ आना पड़ता है एंड भाई उसके बाद पिक करना पड़ता है। पिक्सल पिक में भाई आप छोटे से छोटे पिक भी भाई आराम से ले सकते हो। और भाई इस पिक में ना भाई सामने वाला बंदा आपको भाई बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भाई साहब आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। सामने भाई खंभे के पीछे बंदा बैठा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बंदा नहीं है, लेकिन भाई सामने खंभे के पीछे बंदा है, पिक लेके बैठा है। तो भाई साहब कभी भी अगर कवर के पीछे से भाई आप पिक ले तो आपको ये चीज हमेशा दिमाग में घुसा के रखना है कि भाई आपको थोड़ा सा पहले पीछे आना है, उसके बाद भाई पिक करना। और चिपक के पिक लेने से भाई दिक्कत होता है यार, देखोगे कि आप एक चीज की आपका कैरेक्टर ग्लिच हो जाएगा। ओके तो भाई अभी आप सेटिंग भी सीख गए, पिक करना भी सीख गए, ठीक है। लेकिन जो मेन बात आता है कि भाई आप पिक करके कैसे हेडशॉट कनेक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ जब भाई आप पिक करके फाइट ले रहे हो तब भाई आप किस तरीके से बंदे के बुलेट से बच सकते हो। अब देखो भाई साहब काफी सारे बंदे क्या बताते हैं, कुछ इस तरीके से भाई आपको यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके से भाई आपको इस वाले ड्रिल को यहाँ पे प्रैक्टिस करना,
करना है, लेकिन भाई ये बिल्कुल गलत है। क्यों? मैं बोलूँ आप लोगों को बताया था, ज्यादातर टाइम पे भाई आप एक चीज नोटिस करोगे कि बंदे का हेड भाई इतने ऊपर नहीं रहता, ठीक है। कभी कभार अगर भाई बंदा थोड़ा सा हाई लोकेशन पे है तब भाई हो जाता है, और अगर भाई साहब आप एक टीडीएम प्लेयर हो तब इस वाला ड्रिल से आपका भाई कोई भी फायदा नहीं होगा। और यहाँ पे आओगे तो भाई आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो भाई टारगेट है वो भाई कितना ज्यादा ऊपर है। तो सिंपली भाई आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे टारगेट के नीचे आप लोगों को बैठ जाना है सिंपली, ठीक है। बैठने के बाद आपको अपने मुंडी के बराबर, ठीक है, एक स्टिकर चिपका देना है। अब भाई बैठ के क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ज्यादातर टाइम अगर भाई बंदे पीक करते हैं ना किसी भी कवर के पीछे से, वो भाई हमेशा बैठ के ही पीक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भाई साहब आपको यहाँ पे आके बैठ जाना है फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपको बैठ के पीक करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके भाई साहब आपको प्रैक्टिस करना है। अब इस तरीके से आके जब भाई आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना, आपका हेडशॉट भी भाई काफी ज्यादा तगड़ा हो जाएगा, एंड भाई आपका पिक एंड फायर भी काफी ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब भाई आप पिक एंड फायर मारो ना, कुछ इस तरीके से भाई आपको जॉयस्टिक को खींच लेना है। मानो कि भाई राइट की तरफ से पिक करके फायर कर रहे हो तब भाई आपको जॉयस्टिक को लेफ्ट की तरफ खींचना है, और मानो कि आप लेफ्ट की तरफ पीक करके भाई फायर कर रहे हो तब भाई आपको जॉयस्टिक को मतलब राइट की तरफ खींच के लेके आ जाना है। और इससे क्या होगा, बंदे का जो बुलेट है उससे भाई आप काफी ज्यादा बच सकते हो। बाकी भाई साहब आज के लिए बस इतना ही, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके मुझे प्लीज बता देना। और कमेंट करके ना एक चीज मुझे और बताना कि सब कुछ भाई आपका जो डाउट वगैरह था सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को ना भाई थोड़ा सा शेयर कर दो, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा मेरा। और चैनल तो भाई साहब आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिए हो मेरे को पता है, नोटिफिकेशन बेल को भाई जरूर से इनेबल कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।